तो बजट की देखिए, जब हम फर्स्ट अगर कोई बजट के बारे में सोचता है तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है कि टैक्स में क्या चेंज आए। तो ये जो इतने बड़े बड़े ह्यूज जो पोर्ट्स हैं उनकी सर्विसेज हमको अभी कलकत्ता की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर हब नहीं होने की वजह से नहीं मिलती, और वो जब होगा तो हम करीब 1 बिलियन किलो नहीं 2014 में भैया 3 करोड़ लोग थे 3.1। ये बजट को देखते हुए मैं ये बोलूंगा कि ये एक न्यूट्रल बजट है। सारी चीज़ों को मेरे को लगता है इस बजट पे भी रखा है, उन सारे जो इनका फोकस पॉइंट है उस पे वापस इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्रेस दिया है। नमस्कार दोस्तों, आस या निराश, बजट रहा किन के लिए खास, जनता की नज़र में फेल हुआ या पास, आज हम लेंगे बजट की क्लास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू ओझा है, न्यूज़िस्तान में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबको पता है आज 1 फरवरी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पास किया है। आज बजट पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं, निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि ये बेहतर बजट होगा और सदी का सबसे बेहतर बजट बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारे में कहा था ये मिनी बजट से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो ऐसे में जनता क्या उम्मीद लगाए बैठी है, इसी पे हम चर्चा करेंगे और हमारे अतिथियों को यहाँ बुलाएंगे जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा संजय तिवरेवाल जी, जो कि CII के वाइस चेयरमैन हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। अब मैं बुलाना चाहूँगा प्रदीप अग्रवाल जी, जो केसेंस ग्रुप के डायरेक्टर हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक जानी मानी शख्सियत हैं। न्यूज़िस्तान में आपका स्वागत है सर, आसन ग्रहण कीजिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री राजीव लोचन जी को, जो एक चाय उद्योगपति हैं, और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय व्यवसाय में ये अपनी एक पहचान रखते हैं। राजीव जी स्वागत है आपका। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री संजय गोयल जी, जो कि CA हैं और साथ ही साथ ये ICAI के वाइस पास्ट चेयरमैन रह चुके हैं, सॉरी पास्ट चेयरमैन। आइए संजय गोयल जी, आपका स्वागत है। अब मैं बुलाना चाहूंगा सरबजीत सिंह होरा जी को, जो कि LLB और CA हैं, न्यूज़िस्तान में आपका स्वागत है सरबजीत जी, आइए अपना आसन ग्रहण कीजिए। अब मैं भी अपना आसन ग्रहण कर लेता हूं और आज हम कर रहे हैं बजट पर चर्चा। बजट कैसा रहा और लोगों के लिए क्या उम्मीदें लेकर आया है, कौन इससे खुश हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। कोरोना महामारी के कारण लोग ऐसे ही निराश थे, बजट लोगों की जिंदगी में क्या आस की किरणें लेकर आया है, इसकी चर्चा आज हम समाज के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि से कर रहे हैं। तो सबसे पहले सरबजीत सिंह जी, ये बताइए आप बजट का स्वागत कैसे कर रहे हैं। थैंक यू, सबसे पहले न्यूज़िस्तान थैंक यू सो मच, आपने आज बुलाया है इस बजट की चर्चा के लिए। तो बजट की देखिए, जब हम फर्स्ट अगर कोई बजट के बारे में सोचता है तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है कि टैक्स में क्या चेंज आए, स्लैब में क्या चेंज आए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देर इज़ नो चेंज इन एनी स्लैब। इस बार जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया था कि यहाँ आप दो स्कीम दी गई थी हमें, यहाँ आप एक ऐसी स्कीम में आइए जहाँ आप सब इंसेंटिव छोड़ दीजिए, यहाँ पुरानी स्कीम में चलते रहिए, तो वही स्कीम इस साल भी कंटिन्यू हो रही है, देर आर नो चेंजेस। तो फर्स्ट इंप्रेशन अगर बोला जाए बजट का, अगर हम बचपन से ही सुनते आ रहे, जब हम स्टूडेंट थे तब से सुनते आ रहे हैं बजट का मतलब होता है टैक्स लैब, तो टैक्स लैब में कोई चेंजेस नहीं है इस बार। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर कि ये बताइए, जो बजट है जो अभी आया है 2020 के मुकाबले में ये 2021 के बजट में क्या अंतर आप देख रहे हैं? देखिए 2020 और 2021 में पूरा दुनिया उलट पलट हो गया। 2020 की हम बात करें तो हम लोग काफ़ी एक सेट पैटर्न से जा रहे थे, उसके बाद कोरोना आने के बाद लोगों के मन में काफ़ी निराशा आ गई कि क्या हम जीवित रहेंगे, क्या हमारा बिजनेस कंटिन्यू करेगा, क्या इंडस्ट्री सेम पेस में जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में। ये बजट को देखते हुए मैं ये बोलूँगा कि ये एक न्यूट्रल बजट है और प्लस बजट है, चूँकि पिछले साल के मुकाबले इस साल उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन कुछ घटाया भी नहीं, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोएक्टिव स्टेप लेके
प्रोविजंस रखे हैं, जैसे कोविड वैक्सीनेशन का एक प्रोविजन रखा है और वो प्रोग्राम हम लोग सब लोग देख रहे हैं, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम काफी सक्सेसफुली ये चल रहा है। तो ये बजट में एक प्रावधान रखा गया है आने वाले टाइम में सबको फ्री वैक्सीनेशन या एक रिजनेबल रेट में वैक्सीनेशन मिले, तो इसको देखते हुए मैं बोलूंगा कि बजट प्लस है, बेटर है। संजीव भाई जी आप बताइए, आपके क्षेत्र में आप इस बजट को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अगर इस गवर्नमेंट को आप ओवरऑल देखते हैं ना, ये गवर्नमेंट का हमेशा एक बहुत प्रोएक्टिव सपोर्ट या स्टेप रहा है टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हो गया हाउसिंग, हो गया हेल्थ, हो गया और डिजिटलाइजेशन पे, स्टार्टअप्स पे। तो गवर्नमेंट ने उसी लाइन पे सारी चीज़ों को, मेरे को लगता है, इस बजट पे भी रखा है। उन सारे जो इनका फोकस पॉइंट है उस पे वापस इन्होंने बहुत अच्छा एक स्ट्रेस दिया है। और टैक्स स्लैब का जैसे सरबजीत ने बताया कि कोई चेंजेस नहीं है, तो मेरे को लगता है चेंजेस नहीं है तो अच्छे हैं, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट द गवर्नमेंट इज़ गोइंग थ्रू, तो अगर कुछ चेंज होते तो वो शायद कुछ नेगेटिव ही होते, टैक्स लायबिलिटी शायद अपनी बढ़ती, तो वहाँ अगर गवर्नमेंट ने कुछ चेंज नहीं किया है करेंट सिचुएशन में तो वो एक अच्छा चीज़ ही है अपने लिए। तो ओवरऑल मेरे को तो लग रहा है ये बजट एक जिस तरह की सोच रही है इस गवर्नमेंट के उसी लाइन पे है और उसी तरह ये आगे बढ़ रहे हैं। संजय जी ये बताइए, आम नागरिक होने के नाते आप इस बजट का स्वागत अपने जीवन में किस प्रकार कर रहे हैं? आपके लिए लाभदायक साबित हो रहा है या निराशाजनक बजट है? हम लोग इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से अगर सोचें तो ये बजट हम लोगों का जो देखिएगा कि सरकार ने बहुत कुछ इसके अंदर किया है। पहला कि जो छोटी कंपनी है, जो 50 लाख की जिनकी कैपिटल थी उसको भी रखा है, और 2 करोड़ जिसका भी कैपिटल है उनको स्मॉल इसके अंदर रखा है। और जो 2 करोड़ का टर्नओवर था, अब 20 करोड़ का जो टर्नओवर हो गया है, 20 करोड़ का, उसको भी स्मॉल इसके अंदर रखा है। तो ये एक स्वागत योग्य विषय वस्तु हुआ। एक हुआ, आप देखिएगा कि जैसे रीओपनिंग ऑफ केसेस, पहले क्या था कि 6 बरस था, अब अगर मेजर कोई ऑफेंस ना हो तो उसको 3 बरस कर दिया। तो मैंने रीओपनिंग का क्या था कि 6 बरस के भी आप एम्प्लॉयियों के पास जाते थे तो 6 बरस का भी रीओपनिंग कर देता था, ये 3 बरस का कर दिया। तो ये एक तो बहुत अच्छा यहाँ पर हुआ है। तीसरी बात ये है कि पैसा 1,75,000 करोड़ जो डिस इन्वेस्टमेंट से आएंगे, ये पैसा तो हमारे बाजार में आएगा, तो बाजार में आएगा तो ये इंडस्ट्री के पास में ये आएगा। एक सबसे अच्छा और आया है जो LIC का IPO आ रहा है, ये भी हम लोगों का प्लस पॉइंट हम लोग देखते हैं। और सोशल की तरफ से देखें तो आज 137% हेल्थ में इंक्रीज किया है, ये स्वागत योग्य है। सीनियर सिटीजन का भी अगर हम लोग देखते हैं तो क्या किया, इंटरेस्ट एवं पेंशन का जो 75 वर्ष से बेसी है उसको अब इनकम टैक्स फाइल नहीं करनी पड़ेगी। तो ये विषय वस्तु भी हम लोगों का अच्छा है। और एक नॉर्थ बंगाल, हम सिलीगुड़ी के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम लोग देखते हैं तो देखिएगा कि सिलीगुड़ी और कलकत्ता, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर जैसे संजय ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेन है इंडस्ट्री के लिए, अभी जो हाईवे पे 654 किलोमीटर जो हाईवे बना रहे हैं, 25,000 करोड़ का जो प्रोविजन रखा है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। क्योंकि अगर हमारे ये रोडें अच्छी होगी तो हमारे इन्वेस्टर आएंगे, हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ये हम लोगों का स्वागत योग्य है। ये हम लोग इसलिए इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बजट हम लोगों का अच्छा, हम लोग इस विषय में सोच रहे हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं जो मिला है रोड रिपेयर के लिए, ये कोलकाता सिलीगुड़ी रिपेयर भी इसमें शामिल है? हाँ, कलकत्ता सिलीगुड़ी से कलकत्ता का जो हाईवे है उसके लिए इन लोगों ने 25,000 करोड़ रुपया रखा है। तो इससे क्या, वो हाईवे अगर अच्छा रहेगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया होगा, ये एक अच्छा स्वागत योग बंगाल वासियों के लिए अच्छा है। हाँ, हम लोगों के लिए नॉर्थ बंगाल का ये गेटवे है, आप कुछ भी आ जाइए, यहाँ से सिलीगुड़ी से होकर जाएंगे आप सीधे अलीपुरद्वार, नॉर्थ बंगाल के लिए, ये पूरा नॉर्थ बंगाल के लिए हम लोग इसको स्वागत योग बोल रहे हैं कि अच्छा ये सरकार ने किया है। राजीव लोचन जी, आप चाय उद्योग से जुड़े हुए हैं तो आपसे मेरा ये सवाल है कि चाय की प्याली में वास्तव में उबाल आ रहे हैं क्या? देखिए, अभी जो कोरोना के टाइम में दिमाग में एक महीना दो महीना इतनी नेगेटिव पिक्चर आई थी, और उस नेगेटिव पिक्चर की वजह से इतना तेज़ी से पॉजिटिव चीज़ें हो गई, ये हम लोग एक बहुत बड़ी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चाय
ऑलमोस्ट 100% का उछाल आया दार्जिलिंग को छोड़ करके, तो 99% तो बैलेंस इंडस्ट्री है, 1% ही दार्जिलिंग, तो पूरी चाय इंडस्ट्री के जितने पाप थे मोटा मोटी धुल गए एक साल में। और ये आगे आने वाला जो अपना 21 है वो भी उतना ही बढ़िया दिख रहा है अभी। तो मैं तो ये कहूँगा कि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन टी के हिसाब से बहुत बढ़िया हुई, और अगर आप बजट के हिसाब से कहें तो टी इंडस्ट्री को कोई बजट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप की चीज़ है, एक कॉलोनियल पास्ट है जिसको कि हम कुछ कर रहे हैं। इस बजट ने या इस इकोनॉमिक सिचुएशन ने इसको बहुत बड़ा बूस्ट दिया है, और मेरी आशा है कि शायद हम लोग 21 में इसके डेवलपमेंट की बातें सोचने लगेंगे जो रुक गया था पूरा। अच्छा जी, सरब जी जी, टैक्सेशन के बारे में इस बार बजट में क्या आपको बदलाव नजर आए? देखिए, टैक्सेशन में अगर हम डायरेक्ट टैक्स की पहले बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम बोलें तो इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले आपको ये एक समझना होगा कि बजट में बहुत ज़्यादा आप इनडायरेक्ट टैक्स में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब GSTN काउंसिल आ गया है, कंसेप्ट चेंज हो गया है, तो राउंड द ईयर ही अमेंडमेंट्स आते हैं, राउंड द ईयर ही आप मानिए मिनी बजट एक तरीके से आ जाता है, या बहुत सारे अच्छा कुछ एक ये भी सिस्टम है कि हम रात को सोते हैं सुबह उठ के देखते हैं 20 अमेंडमेंट्स आ गए हैं, 20 नोटिफिकेशंस आ गए हैं, तो GSTN काउंसिल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि डाउन द ईयर आता रहता है। अब डायरेक्ट टैक्सेस में हम आते हैं, कुछ है खैर इनडायरेक्ट टैक्सेस में, हम डायरेक्ट टैक्स के बाद उसमें आते हैं। तो सबसे पहले एक ऑडिट में, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑडिट में पहले हमारा जो थ्रेशोल्ड लिमिट था ये 5 करोड़ था, इसमें भी एक राइडर है जो बढ़ के 10 करोड़ तक चला गया। अब जी इसमें राइडर ये है कि 95% ऑफ द ट्रांजैक्शंस अगर आपके डिजिटल मोड में अगर होते हैं तब आपकी जो टैक्स ऑडिट की स्लैब है दैट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़। तो 10 ये एक डिजिटल इंडिया को बूस्ट है। अब प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कितना पॉसिबल नहीं है ये एक सोचने की बात है, बट एक अगर ऐसी कोई कंपनी है, ऐसे कोई बिजनेसेस हैं, अगर ये कर सकते हैं तो उनके लिए फिर 10 करोड़ का कुछ कंप्लाइंसेस कम हो जाते हैं, यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे संजय जी ने और एक बात बताई अभी कि 75 ईयर्स के जो सुपर सीनियर सिटीजन जो हम लोग बोलते हैं वो, उनकी अगर पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम रहती है तो उनको टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे एक टैक्स बर्डन का एक उनके लिए एक ईज हुआ है, एक बेनिफिट मिला है उनको। फिर उसके बाद आप अगर स्टार्टअप्स में जाते हैं तो वहाँ पे टैक्स हॉलीडे को 1 साल से बढ़ाया गया है, जो 31 मार्च 2022 तक अब उनको बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी बूस्ट है हमारी स्टार्टअप इंडिया, जो ऑलरेडी स्टार्टअप इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो वहाँ पर उन लोगों को और एक बेनिफिट वहाँ मिलता दिख रहा है हम लोग को। FDI में क्या नया देख रहे हैं आप? देखिए, FDI में ये इस गवर्नमेंट का हमने काफ़ी तरीके से देखा है कि PPP मॉडल पे बहुत थ्रस्ट है, तो हर जगह वो PPP मॉडल के ऊपर काफ़ी काम भी हो रहा है। तो इसमें प्राइवेट को फर्दर FDI के रूप में लाने के लिए आई थिंक 74% तक इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउ कर दिया गया है, जो कि पहले लेस देन 50% था, तो अब 74% तक इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकता है, विच इज़ अगेन एक कुछ ये डिबेटेबल है कि कितना तक हमारे अब से इसमें कुछ राइडर्स और भी हैं, जैसे जो बोर्ड होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसे मैक्सिमम आपके इंडियन डायरेक्टर्स होंगे, और उसमें से भी मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रखना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ राइडर्स के साथ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ये FDI को अब ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप मोबाइल सेक्टर से, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे पहले था वैसे ही अभी है, क्योंकि कोविड के बाद पर्सनल मोबिलिटी के ऊपर में ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया लोगों का। पहले क्या शेयर मोबिलिटी के ऊपर में लोग ज्यादा चलते थे, लेकिन अब पर्सनल मोबिलिटी के ऊपर भी बढ़ गया है। इस वजह से क्या हो गया कि गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई, तो अचानक एक उफान सा आ गया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो हम लोग तो खैर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ GST स्लैब में बजट में कुछ चेंजेस लाएगी ताकि मोटरसाइकिल में और टू व्हीलर्स में और जो कम दाम की कारें हैं उसमें कुछ GST का चेंजेस हो, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस बार वो नहीं हो पाया। लोग इसके लिए थोड़ा सा निराशाजनक जरूर है। बाकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, हो सकता है गवर्नमेंट वो प्रोएक्टिव अप्रोच रखी हो देख करके कि डेटा तो बहुत अच्छा आ रहा है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है,
तो क्यों हम अपना लॉस करें? क्यों ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ये भी सोचा हो कि हम वहां का पैसा कहीं और बैलेंस कर दें, इसलिए टैक्स स्लैब में भी उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया, मतलब फूल के साथ काटे भी हैं। फूल के साथ काटे भी हैं। चलिए, मैं आपसे एक सवाल ये करना है मेरा कि जीएसटी के मामले में रियल एस्टेट के लोगों की काफ़ी इसमें शिकायतें थी, हमने पहले भी बात की थी, उनका कहना था कुछ परसेंटेज घटाया जाए, तो आपका क्या कहना है कि जीएसटी जो है सरकार इसके विषय में कुछ सोचे, बजट में कुछ हुआ है इसमें परिवर्तन? नहीं, बजट में गवर्नमेंट ने जीएसटी रिलेटेड रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए कुछ भी कोई चेंजेस या कोई अमेंडमेंट नहीं किए। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इस पर जो रैशनलाइज़ किया था, पहले जो रेट्स थे उसके बाद रेट्स को 5% और 1% पे ला दिया था, अफोर्डेबल हाउसिंग को 1% और आपके अदर देन अफोर्डेबल को 5% रेट में ला दिया था, रेजिडेंशियल कमर्शियल में 12% की रेट है। एक जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है लोगों की वो था कि ITC जो रहता है ना, जो आप माल परचेज करते हैं उनकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रहती है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाती जहाँ पे कोई डेवलपर एक प्रोजेक्ट बना के, कमर्शियल प्रोजेक्ट बना के लीज़ कर देता है, तो जब वो रेंट देता है तो उस पर GST लगता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में उसको ITC नहीं मिलता है। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी जो क्रेडाई ने और भी एसोसिएशन पुट की, बट कहीं पे मेरे को दिखा नहीं उस पर्टिकुलर पॉइंट को बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने टच किया है, तो वो एक जो डिमांड है वो डिमांड के हिसाब से रह गई। अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में आपका क्या कहना है? देख, गवर्नमेंट का हमेशा से एक मतलब स्ट्रेस रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग का, इसके साथ इन्होंने लास्ट ईयर एक और वर्ड यूज़ कर दिया था, रेंटल हाउसिंग, तो वो शायद इस बार भी है। हाँ, इस बार भी है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में ATIB में ऑलरेडी ये 100% डिडक्शंस था, जो था उसको 2021 तक था, उसको वन ईयर के लिए और एक्सटेंड करके 2022 तक कर दिया, प्लस ATEA बोल के एक सेक्शन है उसमें आपके इंटरेस्ट डिडक्शन है अफोर्डेबल हाउसिंग में 1.5 लाख का, तो उसको भी 2021 तक था उसको 2022 तक एक्सटेंड कर दिया। तो गवर्नमेंट का ये फोकस रहा है, गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड भी कर रही है पीरियड, ताकि मैक्सिमम लोग इसका एडवांटेज ले सके। हाउसिंग फॉर ऑल वाज अ मोटो ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो उस तहत गवर्नमेंट काम कर रही है, उस पर एक रेंटल हाउसिंग को जोड़ दिया है। रेंटल हाउसिंग में अगर कोई बिल्डर्स डेवलप करते हैं टू प्रोवाइड इट फॉर रेंटल, दिस इज बेसिकली फॉर द माइग्रेटिंग लेबरर्स, तो वैसा अगर कुछ कोई डेवलप करता है डेवलपर, तो उसको भी उसमें 100% टैक्स एग्जेम्पशन में लिया जाएगा। सुनील जी, ये बताइए, छोटी जो कंपनियां हैं उनका भविष्य सुनहरा दिख रहे हैं, उज्जवल दिख रहे हैं इस बजट में? जी, मैंने कहा ना कि आप देखिएगा कि मैं बंगाल की बात करता हूँ, नॉर्थ बंगाल की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ MSME जो छोटी इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा हमारे नॉर्थ बंगाल में है, और कोविड के बाद आप देखिएगा कि छोटी इंडस्ट्री, हम लोग CII की तरफ से भी कि 151 इशू हम लोगों ने सोल्व किए थे, कोविड के समय भी हम लोग खड़े रहे थे और हमारी छोटी इंडस्ट्री बची है। तो मैंने कहा ना, जो ये 50 लाख वाला मैंने उदाहरण दिया, ये छोटी इंडस्ट्री के लिए प्लस पॉइंट है, ये जो आपका रीओपनिंग है ये भी छोटी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हेडेक बहुत आपका कम हो जा रहा है, तो इसके लिए ये जो दोनों चीज़ है ये हमारे छोटी इंडस्ट्री के लिए माने अच्छी रहेगी। ये दो बट मेजर है, हम सोचते हैं कि मेजर लोगों का है, तो इसके लिए अच्छा रहेगा छोटी इंडस्ट्री के लिए। जी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में सरकार ने इस साल बजट में क्या प्रावधान रखे हैं? देखिए, इस साल अगर आप टी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ें तो एक हिडन एक बहुत बड़ा इसमें एक प्रपोजल है बजट में, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर हब, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो यहाँ पे फंड दिया गया है। हमारे सिलीगुड़ी में अभी एक गोल्डन ट्रायंगल बोल करके एक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बहुत बड़ा एक रोड सिस्टम बनाया था जो बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसके साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर हब जरूरी थी, वो अब दिया गया है और वो जब बनेगा तब जाके हमारी सिलीगुड़ी उससे इतनी तेज़ी से हर चीज़ को वो बढ़ा देगी, मतलब आधा काम पहले हुआ आधा काम अभी बचा हुआ कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग को करीब 15 साल लगे एक ड्राई पोर्ट बनाने में, वो ड्राई पोर्ट से 90% बेनिफिट होगा टी इंडस्ट्री को। अब ड्राई पोर्ट बन गया तो उसके साथ में आपको चारों तरफ से चीज़ भी तो कलेक्ट करके लानी पड़ेगी ड्राई पोर्ट में, या वहाँ जो टी पार्क उसके साथ में 60-65 एकड़ का बन गया, उतने से तो वहाँ पर चाय आएगी नहीं। चाय तो इसके चारों तरफ जो कम से कम 1,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें चाय हो रही है, वो सारी चाय आएगी, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम हमारा बना लेकिन हब नहीं थी, हब नहीं होने की वजह से वो ऐसा समझ लीजिए कि आधी कमीज थी आधी कमीज गायब थी। अब जब वो बन जाएगा
तब जो उसके बाद में डेवलपमेंट होगा। आज हिडन है, वह भी समझने में देरी लगेगी। अभी तो यही नहीं मालूम है कहाँ होगी। जितना मैंने एक बार अननोइंगली अपनी तरफ से प्रपोजिशन दे दिया था, वंदना यादव जी की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, ऑल ऑफ ए सडन मीटिंग हुई और ऑल ऑफ ए सडन मेरे दिमाग में आया घोषपुकुर। घोषपुकुर इज अ पॉइंट जिससे कि नेपाल भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, दार्जिलिंग भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, सिक्किम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, भूटान डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और बांग्लादेश। ये पांच पॉइंट ही तो हम जोड़ते हैं सिलीगुड़ी में, जो एक तरह से इस वक्त नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हब हो गया। उस हब से यदि हमें ये मिलेगा तो सारी चाय का फ्लो एक जगह आकर के और उससे जो वो हो गया आपका एक्सपोर्ट, तो कलकत्ता की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कलकत्ता तो एक बहुत छोटा सा पोर्ट है जिसको मैं ड्रेन पोर्ट बोलता हूँ। रियल पोर्ट तो हमारे दोनों तरफ दूसरे हैं ना, एक बे ऑफ बंगाल का चिटागोंग है और एक हमारा दूसरी तरफ अरेबियन सी का कांडला है या बॉम्बे आज की डेट में कांडला। तो ये जो इतने बड़े बड़े ह्यूज जो पोर्ट्स हैं उनकी सर्विसेज हमको अभी कलकत्ता की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर हब नहीं होने की वजह से नहीं मिलती, और वो जब होगा तो हम करीब 1 बिलियन किलो, 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं, मतलब कि हम पूरी के पूरी 125 करोड़ लोगों के लिए 140 करोड़ किलो चाय बनाते हैं जो बाहर भी जाती है। तो बाहर जितनी चाय जाएगी उसका सारा तो यहीं से होगा। तो टी एक तरफ देख रहा हूँ, बैलेंस जो जितना भी है पूरा टोटल आपका जो कार्गो है यहाँ से, जिसमें कि आपका नेपाल का कार्गो है, सिक्किम का कार्गो है, भूटान का कार्गो है और बांग्लादेश के ऊपर का, ये तो देखते देखते डेवलप हो गया। जो आपका जो नॉर्थ बांग्लादेश है उसका तो सारा का सारा हमारे ही होगा, अभी तो उनकी फ्लाइट्स भी हमारे थ्रू चलने लगी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक खर्चा लिखा हुआ है उसमें ये खर्चे में आएगा, जिसके कि अभी शायद इलुसिडेट नहीं हुआ, अब इलुसिडेट होगा तो उसके बाद में तब हमको इसका फायदा मिलेगा। चाय के क्षेत्र में नई ऊर्जा देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। इनफैक्ट क्या हुआ कि हमारा जो चाय का वो है करीब करीब 20 साल से एकदम स्टैग्नेट हो गए, हम लोग बढ़े ही नहीं। हम लोगों ने एक स्मॉल ग्रोअर्स वो तो बना लिया, बहुत बढ़िया एकरेज तो बढ़ा ली, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकली हमको या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो हमको उसको डेवलप कर लेना चाहिए था वो नहीं हुई। हमारी उगी हुई चाय दुनिया के मार्केट में 90 दिन में पहुँचती है, दूसरों की 15-30 दिन में पहुँच जाती है, तो 60 दिन हम पीछे चले जाते हैं। 60 दिन किसी भी कमोडिटी के सेल्फ में नहीं पहुंचने का कितना बड़ा लॉस होता है, हम सोच रहे ही नहीं जानते वो चीज़। इसके लिए कोई सुविधा मिली है जो गैप ये जो हो जा रहा है? यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो गैप हुआ है तो वो तो अभी हमारा ड्राई पोर्ट शुरू हो ही गया समझिए, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। उसके बाद में जब ये बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स और जो चीज़ जो फास्ट होगा, तब उससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से 25% की उसमें ग्रोथ आनी चाहिए, 25% ग्रोथ एंड फिनोमिनल ग्रोथ वो आएगी टीम में। देखिए LLP में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोल के, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है जो है दैट इज़ डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ दी ऑफेंसेस। कंपनीज एक्ट में मोर और लेस डीक्रिमिनलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, LLP में भी डीक्रिमिनलाइजेशन की तरफ अब मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। तो इससे एक जो लोग काम कर रहे हैं जो LLP में काम कर रहे हैं या कंपनीज में काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है या कुछ एटलीस्ट क्रिमिनल प्रोविजंस नहीं है वहाँ पर, जो कि बहुत ड्रैकोनियन हो गए थे जब कंपनीज एक्ट 2013 में जब आया था, तब एक तरीके से मन में डर लगता था कि कुछ भी अगर गलती हो जाए यहाँ तो प्रोसिक्यूशन सीधा आ जाएगा। तो ये चीज़ अब एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ये चीज़ समझी है कि मिस्टेक्स कैन बी अ पार्ट एंड डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है जो हम वेलकम करते हैं इसको। जैसे एक पॉइंट तो अभी सरबजीत ने जी ने बताया अभी रिगार्डिंग डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एल एल इन केस ऑफ LLPs, ये भी एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है। जब तक भय का माहौल रहता है तो लोगों को काम करने में देखिए बहुत परेशानी होती है। उसी तरह गवर्नमेंट ने 2 साल पहले फेसलेस स्क्रूटनी लाया, उसके बाद लास्ट ईयर उन्होंने फेसलेस अपील्स लाए, इस बार इन्होंने फेसलेस ITAT भी ले लिया, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है जो नेक्स्ट अपील करते हैं आप आफ्टर द CIT अपील्स, तो वहाँ भी उन्होंने एक फेसलेस सिस्टम को लाया है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छे मूव है, अगर आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करें ना तो फेसलेस स्क्रूटनी और फेसलेस जो अपील्स हैं, अपील्स में तो अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ लेकिन स्क्रूटनी में जो थोड़े बहुत काम हुए उसमें देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं वही एक भय का माहौल जो था वो कम हुआ है, तो लोगों को एक पर्टिकुलर लेवल तक
मतलब खुशी है उस चीज़ की, और चीज़ें अच्छी है, बस थोड़ी से कुछ मतलब लेंदी हो जाता है प्रोसेस, वो भी आने वाले दिन में मोस्ट प्रॉब्ली थोड़े से रेगुलराइज हो जाएगा। जैसे भैया ने एक टच किया था रिगार्डिंग रीओपनिंग, पहले क्या होता था 6 साल तक नॉर्मल केसेस में आपकी फाइल्स रीओपन हो सकती थी अप टू अ पीरियड ऑफ 6 असेसमेंट ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर जहाँ आपने रिटर्न फाइल की है उसके, और कुछ केसेस में सीरियस केसेस में दैट कुड एक्सटेंड अप टू 10 साल तक भी एक्सटेंड हो सकते थे। अब गवर्नमेंट ने इस बार लेके आया है कि अब वो जो 6 साल की पीरियड थी वो 3 ईयर्स तक ला दिया है। तो पहले जो 6 साल तक आपके रीओपनिंग हो सकते थे अब वो 3 ईयर्स के दायरे में आ गए। तो आपको क्या है ना, इतने मतलब पहले 6 से 7 साल के पेपर्स आपको रखने पड़ते थे, उनके साथ में प्रॉपर्ली मैनेज करके रखना पड़ता था, कभी भी आता था तो उसको प्रॉपर्ली कंप्लाई करना पड़ता था। तो वो अब एक ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर 3 और 6 साल को भी खाली अपने देखते हैं तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर अ नॉर्मल ऑल बिजनेस मैन। और इन केस ऑफ जो 10 साल के थे वो अब एकदम स्पेशल केसेस में रह गए जहाँ पे टैक्स एवेशन इज़ मोर देन 50 लाख, और उस केसेस में भी अप्रूवल चाहिए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का। तो नॉर्मली ऐसा नहीं है कि कोई भी वार्ड में या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उसको रीओपन कर ले, तो ये चीज़ें अच्छी है। इससे क्या लिटिगेशंस कम होंगे, इससे लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी काम करने में, लोगों को मेरे को लगता है कि बहुत ईजी रहेगा। बाकी जो चीज़ें थी जैसे सीनियर सिटीजन्स को है, वो भैया ने टच किया ही था, सीनियर सिटीजन है वो 75 ईयर्स वाले को अगर उनके रिटर्न फाइलिंग करने की दरकार ही नहीं है, अगर उनके खाली पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है। और अदरवाइज देखेंगे तो रिटर्न फाइलिंग में भी बहुत ईज ला दिया, पहले आपके क्या थे सैलरी इनकम अपनी आ जाती थी, TDS अपनी आ जाती रिटर्न फाइलिंग करने जाएं, अब इन्होंने उसमें कैपिटल गेन भी अगर आपका कोई अराइज हुआ है दैट इज़ प्री फिल्ड इन द फॉर्म, प्लस बैंक इंटरेस्ट भी जो आपके बैंक के है वो प्री फिल्ड आ जाएंगे IT रिटर्न में, तो रिटर्न फाइलिंग भी बहुत ईजी हो जाएगी। तो कुछ कुछ गवर्नमेंट आस्ते आस्ते एवरी ईयर स्टेप बाई स्टेप ट्राई कर रही है ताकि लोगों को जो कंप्लायंसेस हैं वो कम हो जाए। हमारी खाली रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को ये है कि GST में भी थोड़ा ध्यान दें कि वहाँ पे कंप्लायंस दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रहे हैं और कहीं कहीं पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो एवरी ईयर क्या होता है ना, नोटिफिकेशन थ्रू आउट द ईयर आते हैं, तो बीच में अचानक एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें से ये पता चलता है कि अब ITC शायद मिले ही नहीं, या ITC में आपको कहीं पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इस तरह के चेंजेस गवर्नमेंट थोड़े से थॉट प्रोसेस के साथ में लेके आए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंप्लायंस है अभी एक नॉर्मल छोटे बिजनेसमैन को लेके या मीडियम बिजनेसमैन को लेके, तो उस पर गवर्नमेंट थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करे। गवर्नमेंट ने इस फिनेंस मतलब जो बजट स्पीच जो हमने सुनी और जिसमें उसमें कहीं पर इस मैटर को टच नहीं किया है, तो आशा करते हैं आने वाले दिन में अगर इसमें भी थोड़ा टच करे तो और बेटर हो जाएगा। GST को लेकर काफ़ी मतलब लोग कुछ शिकायतें हैं जो जल्द से जल्द का समाधान हो जाए। शिकायतें नहीं है, जैसे कि GST जब आई थी तो बातें ये थी कि चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, ओके। एक नॉर्मल अभी क्या है ना, एक नॉर्मल छोटे बिजनेसमैन को भी कंप्लायंस बहुत बढ़ गया है, तो वो हम लोग चाहते हैं, हमारा ये सजेशन है बीइंग अ प्रोफेशनल ऑल्सो, हमारे लिए तो काम बढ़ा ही है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी तो देखना पड़ेगा कि नॉर्मल लोगों को कितनी परेशानी बढ़ी है, खाली हम अपना सोचेंगे तो नहीं होंगे। छोटे व्यवसाय हैं जिनका टर्नओवर कम है, उनके लिए आज एक पर्टिकुलर एक अच्छा अकाउंटेंट रखना, एक अच्छा कंसल्टेंट रखना, हो सकता है कि उसके उनके बजट में नहीं हो, उस चीज़ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है इस पर्टिकुलर। अच्छा, क्या ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले समय में, क्या आशाएं आप देख रहे हैं? देखिए कि इंडस्ट्री का तो हम बोल सकते हैं बंगाल लेकिन कोरोना काल में काफ़ी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोग यहाँ पर जो बंगाल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों का इंडस्ट्री ग्रोथ 11% से ज़्यादा था, वैसे आप देखिएगा कि 11% से हम लोगों का ग्रोथ यहाँ पर ऑल ओवर में ज़्यादा था। इंडस्ट्री लग रही है, कैसे लग रही है देखिएगा, अभी हमारे यहाँ SAIP जो स्टेट गवर्नमेंट जो SAIP जो प्राइवेट इन्वेस्टर को जो इंडस्ट्री पार्क बना रहे हैं, तो देखिएगा एक प्लॉट भी खाली नहीं है, तो उसमें तो अभी इंडस्ट्री लगाएंगे। सरकार जो लेके आई है इंडस्ट्री पार्क डाबग्राम में भर्ती है, फालाकट ये फटापुकुर में एक भी प्लॉट आपका नहीं है, तो अभी जयगांव में भी स्टेट गवर्नमेंट ला रही है, आपको एठलवाड़ी में भी स्टेट गवर्नमेंट ला रही है, तो इसके मतलब क्या हो, अगर आपका इंडस्ट्री नहीं लगता तो आपका प्लॉट कौन लेता है? प्लॉट ले रहे हैं इसके मतलब वो पर्टिकुलर में इंडस्ट्री के लिए वो प्लॉट है, उसमें आप हाउसिंग नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं कर सकते, इंडस्ट्री लग रही है। सरकार स्टेट गवर्नमेंट बोलिए इंडस्ट्री का एक तो माहौल हम लोगों का यहाँ तैयारी हो रहा है, वो छोटी इंडस्ट्री MSME लग रही है। मैंने पहले भी कहा कि नॉर्थ बंगाल में MSME यूनिट बहुत ज़्यादा है, अब देखिएगा इनका ग्रोथ भी ज़्यादा है और इनका काम भी ज़्यादा हो रहा है। आप इंडस्ट्री देखिएगा, स्कूल है ये भी तो इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल है ये भी तो आपकी इंडस्ट्री है, आप देखिएगा फूड
का यहाँ पर सबसे ज़्यादा, एग्रो का, फूड का जो है यहाँ पर आप देखिएगा नॉर्थ बंगाल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए क्या कि फोकस थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है कि ये एक तो नेगेटिव अप्रोच लोगों का मतलब कुछ बनाया जा रहा है कि ऐसी बातें हम लोगों का नहीं है। एक तो इंडस्ट्री का माहौल है, इंडस्ट्री लग रही है, हमें कुछ असुविधा होगी उसके लिए तो हमारे हम लोग जो संगठन करते हैं CII करते हैं जो भी और भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकार के पास जाते हैं और काम अपना जो भी हमारी समस्या है वो हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि इंडस्ट्री अभी वापस अपने ट्रैक में आ रही है और जल्दी हम लोग का ट्रैक में आ जाएगी, मुझे ये विश्वास है। आप नॉर्थ बंगाल के क्षेत्र में और क्या आशाएं रख रहे हैं? देखिए आप नॉर्थ बंगाल की जहाँ बात आ जाती है तो थोड़ा सा हमें पूरे देश से हट के देखना पड़ेगा। नॉर्थ बंगाल वी आर मेकिंग अप फॉर द लॉस्ट टाइम। अभी हम कुछ ही दिन पहले तक बहुत पिछड़े थे पूरे देश से, अभी इतना फास्ट चेंज आ रहा है। ये जो हमारे चारों तरफ अभी सड़क बनी है तो हम लोग अभी भूल गए, रास्ता हम लोग को समझ में नहीं आता। हम 2 माइल से जब घुसते हैं तो हमें अपना ऑफिस कभी कभी तो खोजने के लिए अरे आज ही बन गया। तो इतना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, चाहे यहाँ की हाउसिंग में हो, चाहे यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे यहाँ बिजनेस में हो, इंडस्ट्री में हो। तो इसके साथ कोप अप करने के लिए अभी हमारे को खुद भी मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना है। बड़ी एक्सप्लोसिव ग्रोथ होगी यहाँ पे, ऑलरेडी हो रही है और ज़्यादा होगी अब। और एक चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि शायद हम मेंटली उतने प्रिपेयर्ड नहीं हैं इतने फास्ट चेंजेस जो अभी 8-10 साल से या 5-6 साल से जो गवर्नमेंट दे रही है, इतना फास्ट चेंज जैसा अभी इन्होंने संजय जी ने बोला GST के ऊपर में, हम GST में शायद अपने बनाए हुए जाल में फंस गए। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया कि अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता। ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए बोले थे लेकिन इनका मेंटल स्टेट खुद इतना ऊँचा है कि ये हम लोगों को देख नहीं सकते। तो हम लोग मतलब जो कहते हैं इतने पिछड़े हैं रियलिटी में इनके कंपेरिजन में, इनके सोच के हिसाब से, कि समझ में नहीं आता कि GST में क्या करना है। हर दिन हम लोग के रिटर्न छूट जाते हैं और जहाँ पे कि GST रिफंड वाली चीज़ आ रही है उसका तो समझिए कि कोई भगवान भरोसा है। तो वो सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को भी कंप्लाई करना है हम लोगों से, जिससे कि एटलीस्ट हम उतने फास्ट चेंजेस को एब्जॉर्ब भी तो कर सकें। परसेप्शन उनका बहुत ऊँचा है लेकिन हम लोग जहाँ पे हैं हमें उसको एब्जॉर्ब करना वो बहुत ज़रूरी है। मैं संजीव जी से ये करना चाहता हूँ, मैं भी करूँ क्वेश्चन। एक तो मैं देख रहा था संजीव जी कि ये जो डिस्प्यूट के लेके एक तो प्रोविजन आया था, मैं देख रहा था कि विश्वास से विवाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है जो 50 लाख से जो जिसका इनकम ज़्यादा है कम है और 10 लाख से उसका जो डिस्प्यूट कम है 10 लाख से डिस्प्यूट कम है तो इसका मैंने क्या है। तो ये भी एक वहाँ पे है, अगर 50 लाख के नीचे अगर रहता है तो फिर वो ऊपर परमिशन लेने भी नहीं जा सकते। अगर 50 के ऊपर जाते हैं तभी उस केस में ये आपका जो प्रोविजन है वहाँ पे वो इस चीज़ को इन्वोक कर किया जा सकता है। मैं टच करता हूँ, कमेटी जो बनाया है। नहीं मैं समझिए आपकी क्वेरी और सरबजीत के साथ थोड़ा सा वो गैप हो गया। एक्चुअली एक टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के बारे में प्रपोजल आया है बजट में, वेयर इफ किसी की इनकम 50 लाख से कम है और डिस्प्यूटेड अमाउंट 10 लाख से कम है, डिस्प्यूट कमिटी में जा सकता है। इट कैन बी रेफर्ड टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी ताकि ये फास्ट रेजोल्यूशन हो जाए और लिटिगेशंस को फास्ट रेजोल्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक प्रपोजल बजट में लाया है। मुझे लगता है ये थोड़ा ये बहुत अच्छा प्रपोजल, इज अ वेलकम मूव, वेरी वेलकम मूव। नहीं तो क्या होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं वो सब डिस्प्यूट में तो वो सालों लग जाते हैं, ITAT तक जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस इश्यूज एट अ वेरी फास्टर पेस। However, पिछले कुछ दिनों में काफी फास्ट पेस से गवर्नमेंट प्रोएक्टिव अप्रोच ले रही है और जैसा आपने पूछा था अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप देखिएगा जितना भी गवर्नमेंट का स्टेप्स है वो सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो जो कंप्लायंस कम कर दिए हो। तो जितना ईजी रहेगा बिजनेसमैन के लिए, आज हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि एक ऐसा माहौल हो जहाँ बिजनेस भी होता रहे और वो इजी रहे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो और ज़्यादा टच पॉइंट बहुत ज़्यादा ना हो। तो मेरे को लगता कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस तरीके से मूव कर रही है
और इसका बेनिफिट हो सकता है आने वाली जनरेशन को ज्यादा मिले। मतलब आपके अनुसार ये सराहनीय कदम है? बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि हम लोगों का ये जो ट्रांजिशन टाइम जा रहा है ना, आप देखो एक जनरेशन पहले थी जो खाता पत्र लेके बैठती थी, लाल खाता लेके बैठती थी और वो उसके दिमाग में सब कुछ रहता था, वो बड़े से बड़े ट्रांजेक्शन भी वो उसमें नोट कर लेते थे और वो काफी याद रखते थे। अब हमारा जमाना आया कंप्यूटर वाला, हम लोगों ने फिर भी उसको एडॉप्ट कर लिया और उसके हिसाब से काफी चेंजेस कर लिए और वी हैव ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड ऑल दिस थिंग। बट आप नेक्स्ट जनरेशन की सोचो, वो सारे एकदम सोशल मीडिया वाले हैं और उनका एकदम फिंगर टिप्स में, उनके पास टाइम नहीं है, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर वाला जनरेशन है, तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए सब जितना कम से कम कॉम्प्लिकेशंस हो बिजनेस में, उतना दे विल एंजॉय मोर एंड दे विल ग्रो मोर। जो स्टार्टअप्स में भी अगर आप देखो, जितने यंग जनरेशंस आज ज्वाइन कर रहे हैं स्टार्टअप्स में, आप देखना उनका पेंडेंसी लेवल बहुत कम मिलेगा, दे डोंट वांट टू टेक एनी हेडेक, उनको कोई हेडेक नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि शॉर्ट कम टाइम में हम कम से कम अपने कंप्लायंस को कैसे पूरा करें, ताकि रात को अपना शाम की इवनिंग जो है वो हम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सके और फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट वाला कल्चर रहे। इसमें मैं ऐड करूंगा एक चीज, विवाद से विश्वास स्कीम जो गवर्नमेंट ने लाई थी, जो 31st तक लास्ट डेट थी, उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया 28 तक, मोर देन 110,000 पीपल अभी तक उसको उसका बेनिफिट ले चुके हैं। गवर्नमेंट के पास मोर देन 95,000 करोड़ रुपीज के फंड आ चुके हैं, कलेक्शन आ चुका है। 95,000 करोड़ रुपये उस तरह से मत देखिए, आप ये देखिए कितने लोगों ने ये स्कीम को लेके चैन की नींद सोने का डिसीजन लिया। yes. क्यों 95,000 करोड़ आया? क्योंकि एक एसएससी भी नहीं चाहता है कि मैं लिटिगेटेड वे में exactly. मैं अननेसेसरी इस चीजों में फंसा रहूं। बिल्कुल. वो चाहता है मैं अपने बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करूं एट द एंड ऑफ द डे। बोलता ठीक है ये टैक्स देना, गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया, खाली टैक्स दे दीजिए, इंटरेस्ट पेनल्टी की कोई बात नहीं है। तो बोला ये दे के हम लोग शांति से अपने बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करें, अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ में ले जाए, जैसे इन्होंने स्टार्टअप्स के लिए बोला। इससे समझाया, आई एम सॉरी, इससे मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, आप देखना टैक्स पेयर के एसएससी की लिस्ट भी बड़ी है ना, 2014 में ज्यादा बड़ी नहीं, 2014 में भैया 3 करोड़ लोग थे, 3.14, अभी के डेट में इट इज मोर देन 6 करोड़, 6.84 करोड़ की करीब का फिगर उन्होंने बताया, 100% इंक्रीज इन 5 ईयर। ये क्यों हुआ है कि गवर्नमेंट ने कहीं कहीं पे जो सिंप्लीफाइड लाया है, थोड़े टैक्स स्ट्रक्चर में बीच में कुछ बेनिफिट दिए थे, इसी मोड पे चलती रही गवर्नमेंट, तो आने वाले दिन में जितने ज्यादा एसएससीज बढ़ेंगे ना, उतना बड़ा होराइजन, उतना केक बड़ी होगी, उतनी गवर्नमेंट के लिए हर तरीके से बेनिफिशियल है, कलेक्शंस बढ़ेंगे, माने जो बाधाएं थी वो धीरे धीरे हट रही है। बिल्कुल बिल्कुल हट रही है और आने वाला समय काफी अच्छा नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर जी, आप भारत को लैंड ऑफ होप के नाम से जानना पसंद कर रहे हैं बजट के अनुसार? देखिए बिल्कुल, होप से तो हम लोग सबको जुड़े हुए हैं, और कोविड जब हम कोविड के पीक में थे तब भी हमारा ये होप था कि ये हम इस पीरियड से बाहर निकलेंगे। आज जब वैक्सीन आ गई है तब हमें होप है कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीन मिले, पूरे दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं आप लोग, और इससे अच्छा आपको क्या होप का प्रूफ पाकिस्तान जैसे वो दे रहे हैं। अब सबको आज पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को हम अपने वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। ब्राजील को आप दे रहे हैं, उन्होंने कितने चाइना भी इंपोर्ट कर ले, जो क्वालिटी है इसकी, मतलब जीवन दान की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी वैक्सीन फेल हो रही है हर जगह, और हम लोग की जहां हम सोच नहीं सकते वहां से रिक्वेस्ट आ रही है, हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि हमको ये वैक्सीन दे दीजिए, और हमारे पास एनॉर्मस कैपेसिटी है कि हम उसको बना के वर्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड दे सकते। इसमें एक और एड करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग कोविड के अंदर हम एग्री हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत काम किया था कोविड के, जब हुआ था तो हम लोग डर गए थे कि कोविड जब हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने सुनाई हुई, तो हम लोग को सबसे अच्छा इस बार लगा कि देखिएगा कि प्राइवेट नर्सिंग होम के साथ साथ जो गवर्नमेंट ने जो कोविड का इतना शॉर्ट पीरियड में, नॉर्थ बंगाल का मैं विशेष रूप से कहूंगा कि नॉर्थ बंगाल में जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो व्यवस्था सराहनीय है, जो वो सराहनीय है। आप देखिएगा कि चांग और वहां पर डेसन में देखिएगा कि बने सब लोग थे, कोई गरीब भी था, कोई इंडस्ट्रियल भी वहां पर भर्ती हुए थे। तो इसके लिए क्या है कि जो गवर्नमेंट का जो ये कोविड होप का बोल रहे थे, तो ये होप पर ही हम लोग जीवित, हमारे इंडियन, अगर होप नहीं रहेगा इंडियन लोगों को तो इंडियन के लोग जीवित नहीं रहते, भारतीय हम लोग अब आशा पर जिंदा रहते हैं, भारतीयों की एक पहचान ही है कि आशा है, आशा नहीं तो सब निराशा है। और इसलिए आप देखिएगा कोविड के समय में इतना जल्दी रिकवरी,
आप बोलिए इतना जल्दी रिकवरी अगर हुआ है तो कोविड के समय में ये सराहनीय काम है। आप देखिएगा सब जगह नॉर्थ बंगाल के सब जगह हम लोगों का ये हॉस्पिटल हुआ, ब्लड का देखिएगा नॉर्थ बंगाल जो हम लोग का सैंपल लिया गया कोविड का सबसे ज़्यादा हम लोग नॉर्थ बंगाल के वन ऑफ द इंडिया के अंदर एक सबसे ज़्यादा कलेक्शन के अंदर ये आ रहे हैं। ट्रीटमेंट के अंदर देखिएगा कि हम लोगों का ट्रीटमेंट बहुत बहुत अच्छी ढंग से हम लोगों का कोविड का सामना किया, ये होप के कारण हुआ। हम लोगों ने सरकार पर विश्वास रखा, सरकार ने हम लोगों के लिए काम किया, तो इसलिए होप है। तो होप का एक और लाइव एग्जांपल है पूजा जी, अगर आज आप देखो सेंसेक्स 5% बढ़ा है, मतलब शेयर मार्केट के क्षेत्र में भी अच्छा रहा। यस, तो पूरे इंडस्ट्री ने इसको इसको वेलकम किया इस बजट को। अच्छा, और ये पिछले 10 बजट का 10 फाइनेंस मिनिस्टर ने या 10 टेन्योर में जो बजट पेश हुआ है उसका ये एक जिंदा जागता उदाहरण है, लाइव एग्जांपल है कि फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि 5% का सेंसेक्स में उछाल आया। नहीं, यदि आपकी भाषा में बोला जाए ऑटोमोबाइल की भाषा में तो ये सेंसेक्स का जो एक्सीलेटर है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। दिन रात कितना भी कुछ हो तो ऊपर ही ऊपर चला जाता है, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है ना, मतलब इंडिया का पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है। इससे बड़ी होप क्या हो, इससे बड़ी होप और क्या होगी। एक इसमें बजट में एक बहुत बड़ी चीज है जो डिस्कशन हम लोग इस पॉइंट को भी रखेंगे, जैसे एनपीए लेके भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक पॉइंट आया है जो करेक्शन, हाँ करेक्शन है इसमें, जैसे जो एस्टिमेट किया जा रहा था अराउंड 16% के आसपास बैंक के जो एसेट्स हैं ये खराब हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक, लेकिन इस चीज को गवर्नमेंट ने देखा है, कंट्रोल भी है और इनकी पॉलिसीज भी लाई है, और इसमें एक 20,000 crores के का एक गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा है जो रीइन्वेस्टमेंट किया जाएगा बैंकों में, तो ये एक बहुत बड़ा फंड आ रहा है जिसमें बैंक को कुछ स्टेबिलिटी, खैर बैंक्स की अगर आप बात करें तो उनकी रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा थी, बट अभी स्टार्ट के लिए 20,000 crores इज अ गुड अमाउंट जिससे कुछ एक स्टेबिलिटी आई थिंक गवर्नमेंट को यहाँ पे अपनी बैंकिंग पीएसयू सेक्टर्स अदर सेक्टर्स में यहाँ पे कुछ ला के ये लोग एक एनपीए को कंट्रोल कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बजट में ही आया है। ये सरब के साथ मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, पिछला कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा काफी बैंक बंद हुई या छोटे छोटे बैंक में प्रॉब्लम आई, उसके लिए हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रावधान रखा था इंश्योरेंस के लिए, 1 lakh तक का इंश्योरेंस उन्होंने स्टार्ट किया था, इस बजट में वो 1 lakh से बढ़ा के 5 lakh कर दिया, मतलब इधर भी फायदा नजर। यस, तो ये भी एक बहुत सराहनीय कदम, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, वो डिपॉजिट इंश्योरेंस जो स्कीम है उसको 5 lakh, ताकि छोटे मोटे जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनको इनसिक्योरिटी नहीं लगे कि कल को बैंक अगर बंद होती है तो हमारा पैसा पूरा साफ हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक नाउमीदी हाथ लग रही है इस बजट में। अब आप इसको नाउमीदी बोलेंगे, देखिए कोई टैक्स बर्डन बढ़ा नहीं सबसे पहला चीज, और जितने भी ये पैसे जो आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगे या कोई भी पर्टिकुलर लगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट होना चाहिए। करेक्ट, और जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो स्टेबिलिटी आएगी उनकी जॉब जॉब में, एम्प्लॉय स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स में 1% कंपनी परमिट किया है, FDI इंक्रीज की है, FDI की लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में इंक्रीज हुई है, बहुत जगह तो इन सबको क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, तो जहाँ डेवलपमेंट आएगा वहाँ देखिए जॉब्स क्रिएशन होंगे, जिनके एग्जिस्टिंग जॉब है उनको जॉब स्टेबिलिटी मिलेगी, तो इन चीज़ों से कोई इनडायरेक्ट बेनिफिट है। और डायरेक्टली अगर आप पूछेंगे तो टैक्सेशन एंगल से पूछ रहे हैं आप डायरेक्टली, तो टैक्सेशन एंगल से भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द स्लैब्स और नो सब्सटेंशियल बेनिफिट, जबकि एडवर्स सिचुएशन था। हाँ, अब अफोर्डेबल हाउसिंग है तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही, सेक्शन 43CA में जो 20% का लेवरेज दिया है आपको प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट आएगा ही, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन पर्सन के लिए जो बेनिफिशियल है वो एट द एंड ऑफ द सैलरीड पर्सन जो कि एक टैक्सपेयर वो भी है, तो उसको भी इनडायरेक्ट बेनिफिट उस पर्टिकुलर चीज़ का। मैं इनकी पॉइंट पे ऐड करता हूँ कि इन्होंने जो पहले बोला आज हमारा पूरा का पूरा थ्रस्ट जो है, पूरा फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, आप देखो किस पेस में हमारा डेली NH बन रहा है, किस पेस में हमारा ब्रिजेस बन रहे हैं, चाइना को सरपास कर गए हम इस बिल्कुल, तो आप देखो वो सारे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है, उससे इनडायरेक्टली सब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो इसमें आप रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये जो एक ₹1,18,000 crore अब देखिएगा कि ट्रांसपोर्ट सेक्शन उन्होंने दिया है, 1,08,000 crore rupees उन्होंने हाईवे के लिए कैपिटल ये किया है, तो ये हमको लगता है कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट GST कलेक्शन आप देखो
लास्ट मंथ वी डिड ऑल टाइम हाईएस्ट 1,20,000 करोड़ समथिंग लाइक दैट विच इज नॉट ए स्मॉल फिगर. नहीं, और ये 1,20,000 जैसा 1,00,000 और 1,20,000 के बीच में कई महीने से चल रहा है. तो उसके बाद में यदि इन्होंने जो पहले 2-3 दिन 5-6 दिन से जो डिक्लेयर कर रहे थे कि एज नेवर बिफोर, रियली एज नेवर, इसीलिए वो एडवर्स, इसीलिए वो एडवर्स बजट नहीं आया ना. नहीं तो हम लोग सोच रहे थे कि टैक्स बर्डन आ जाता, स्लैब बढ़ा देते. ये सारी फैक्टर्स है. मैं बोल रहा हूँ आज के दिन अगर हम लोग नॉर्थ बंगाल में बैठे हैं, ये छोटा सा जो आज ऑनरेबल फिनेंस में अपने स्पीच में सिलीगुड़ी का नाम लिया, खुशी लगती है कि सिलीगुड़ी का नाम आया स्पीच में. गर्व की बात है, हमारा इसको इन डेप्थ स्टडी करें ना थोड़ा सा, ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी है. कलकत्ता से देखिए आज वेस्ट बंगाल और ईस्ट को भी आप ले लेना, सिलीगुड़ी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है. ईस्ट कलकत्ता से सिलीगुड़ी का हाईवे, उस पे अगर कुछ भी 25,000 करोड़ का उन्होंने फिगर बनाया फॉर हाईवेज इन वेस्ट बंगाल, उसमें से कुछ भी प्रोपोर्शन कलकत्ता टू सिलीगुड़ी अगर आ रहा है, ये रूट का डिस्टेंस अगर रिड्यूस हो जाता है, बहुत बड़ी बात है. कलकत्ता और सिलीगुड़ी का गैप रिड्यूस हो जाएगा संजय भाई. और ये अगर गैप रिड्यूस हो जाता है तो आज हर इंडस्ट्री, एग्जैक्टली आज कलकत्ता में एक इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है कोई, उसको फिर इधर भी सेटअप कर सकता है ना, टाइम लैग, उसका डिस्टेंस कम हो गया. मैं आप ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर रहा हूं, आपको पता है सिलीगुड़ी इज अ बिग मैरिज हब, वेरी बिग, यस, या वेरी. आज यहाँ लोग दूर दूर से शादी करने आते हैं, वेरी बिग. और यहाँ एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट खुला है जो कि इंडिया में अपने आप में एक समझ लीजिए एक वो अपना नाम रखता है, नाम रखता है बहुत बड़ा. अब आप सोचो कि जब संजय भाई ने बोला कि जो कलकत्ता से लेके सिलीगुड़ी का हाईवे जब बन जाएगा तो कलकत्ता वाले आएंगे यहाँ शादी करने के लिए. सेम एग्जांपल करेगी आप मुंबई पुणे का एग्जांपल, राइट, ये एग्जैक्टली अगर मुंबई पुणे की तरह अगर ये देखें हम तो सिलीगुड़ी कैन बी पुणे. और जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है पुणे में, आई थिंक मुंबई से भी बढ़कर अब लोग पुणे को पसंद करते हैं. करेक्ट, एवरीथिंग विल बी बेनिफिशियल, मतलब अपने लोगों को इस चीज का बेनिफिट, ये जो हाईवे अगर बन जाता है ये सिटी एक दूसरे लेवल पे चल जाएगी. एवरी डायरेक्शन में सिटी का ग्रोथ आने वाला है, मॉर्निंग इवनिंग तक ट्रैवल कर सकते हैं. एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज फॉर नॉर्थ बंगाल. एक और चीज भी मैं सोचता हूँ कि अभी तक हम कहीं भी इंडिया में जाते थे और अगर हम बोलते थे सिलीगुड़ी से तो वो लोग आसाम पूछते, आसाम. अभी ये शायद दिल्ली वालों को मालूम पड़ गई थी तो इसीलिए उन्होंने सिलीगुड़ी, हर ईटी में सिलीगुड़ी का नाम डालना शुरू. अब एक चीज़ देखिए, सिलीगुड़ी टू कलकत्ता हमारे बंगाल की कुल मिला के एक ही रियल आर्टरी है, आप दूसरी बता दीजिए कोई भी, सिंगल आर्टरी 600 किलोमीटर लॉन्ग. आप उससे आसाम जाते बहुत बढ़िया रोड है. आप अभी बिहार होकर के दिल्ली जो जाना चाहते हैं, आप ठाकुरगंज होकर जो रोड है exceptionally, इतना सा छोटा एक गड्ढा नहीं उस पर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर देन ब्यूटीफुल, सुपर सुपर एक्सीलेंट, इतनी बढ़िया रोड, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 या 3 बार जाता हूँ उस पर. सिलीगुड़ी चिकन नेक है, बोल नेक. उसके बाद में आप उसके बाद में उस दोनों को आप लेटरल को देखिए, नीचे वाला कोई रोड ही नहीं है. दाल खोला इज सच ए मेस, अभी भी 4-4 घंटे के जाम लगते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं सुनते. आजकल 5-5, 6-6 तल्ला रोड मैंने देखी है. और यहाँ पे हम एक छोटा सा सिटी के में निकलने के लिए 3-3 घंटा, वो अगर आपके 35,000 करोड़ रुपए या 25,000 करोड़ रुपए, 600 किलोमीटर रोड में यदि 10 करोड़ पर किलोमीटर, यदि ये तो रिपेयर ही तो होगी, एक्सटेंशन ही तो होगा, 10 करोड़ पर किलोमीटर, तो 6,000 करोड़ रुपए में आपका ये रिपेयर या एक्सटेंशन या जो भी हो जाएगा. अब उसके बाद में बचे आपके और 15-20 हज़ार करोड़. तो ये तो सारे हम लोग को तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा पिटारा ही खाली कर दिया है हम लोग के ऊपर में, अगर हम अपने अपने तक की सीमित सोचें. इससे बढ़िया तो क्या बजट हो सकता है. आज बिहार से जब बंगाल का रोड इम्प्रूव हुआ भैया, यहाँ पे कितने बेनिफिट्स आए, वहाँ के लोग कितने यहाँ बसना चाह रहे हैं, वहाँ के लोग इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं. रोड की रोड ही तो था, फ्राइडे को सैटरडे को सारे बिहार वाले यहाँ आते हैं, सब कुछ सब लोग जानते हैं, तो अच्छे रोड है बोलकर के यहाँ आ रहे हैं. यानी कि पटना के लोग भी जो है ट्रेवल करके यहाँ आते हैं, 6-7 घंटे में पहुंच जाते हैं. अभी जो आपका सिलीगुड़ी से बैकवर्ड जो इंटीग्रेटेड टाउन है वो है पानी टंकी तक, नेपाल वाली, ये अभी ठाकुरगंज तक होगी. इतनी लैंड है और इतनी चीप लेबर वहाँ पे अवेलेबल और इतनी बढ़िया लैंड है, इतना बड़ा एग्री एक्सपोर्ट का जो है वहाँ पर पोटेंशियल है. ये सब सिलीगुड़ी के नाम में आया क्योंकि ड्राई पोर्ट आपके पास है, सारी वेयर हाउसिंग आपके पास, इतनी बड़ी वेयर हाउसिंग शायद ही कहीं मिलेगी. कलकत्ता में नहीं है, कलकत्ता में
टोटली आउटडेटेड, टोटली आउटडेटेड वेयर हाउस। अब देखिएगा टूरिज्म तो एकदम एग्री है, ये जो हम लोगों का रोड का जो कनेक्टिविटी हुआ, अब जो ये चालसा होके हम लोग अगर द्वारस जाते हैं तो कितनी सुंदर रोड है। तो आप देखिएगा कि हमारा टूरिज्म अगर कोविड को छोड़ दें तो हम लोग का टूरिज्म हम लोगों का बढ़ रहा था, एक्सप्लोर। संजय भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोविड की वजह से जब से फ्लाइट की और ट्रेन की ट्रेवल कम हुई है ना, हम लोगों ने देखा है कि लोग बाई रोड दिल्ली से और पुणे से मुंबई से चारों तरफ से सड़कें अच्छी है, बोल बोल के आ रहे हैं कि आप देखिए डुआर्स के अंदर, आप देखिए लास्ट 10 वर्ष का हम बात कर रहे हैं, लास्ट 5-7-8 वर्ष के अंदर डुआर्स के अंदर जिस हिसाब से हम लोगों का हर एरिया में लोग जा रहे हैं, आप देखिए सब जगह ये कारण क्या है कि हम लोगों का फर्स्ट में कहा गया इंडस्ट्री जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगा इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेगा। कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ये जो और ये हमारे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों ही हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ा इसके आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोले रोड पे नाला के ऊपर आप देखिए सिलीगुड़ी भी देख लीजिए अगल बगल के सब एरिया जो कनेक्ट किया है रोड की जो व्यवस्था सारे मेस्टिक रोड बनाए हुए हैं अलग से रोड बना दिया। आप देखिए जलपाईगुड़ी जाना बिलको का उधर से आप निकल जाइए आप रात को अगर देखोगे सब रोड में रिफ्लेक्टर लगा हुआ है तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया काफी सुविधाओं से बिल्कुल बिल्कुल इसी के कारण देखिएगा कि हम लोग बोले ना टूरिज्म इंडस्ट्री इसी के कारण आपका हम लोगों का एक तो ये भी एक मेन बिल्कुल फोकस रहा मेन कारण रहा है कि हम लोगों का यहाँ पर दोनों का जो सिंक्रोनाइजेशन है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सिंक्रोनाइजेशन अगर ग्रोथ पाथ में अगर चलते रहे तो पूरे ऑब्वियसली पूरी सिलीगुड़ी की जितनी जनता है या आसपास की जितनी जनता है ऑल विल बी बेनिफिटेड। और जो आपने क्वेश्चन किया कि नौकरी पेशा लोगों को क्या बेनिफिट, उनको ही सारा बेनिफिट मिलेगा। अब उनको बिल्कुल मिलेगा। अच्छा एक और बताएंगे आप नौकरी पेशा की बात बोले हुए तो संजय भी है कोविड के समय में सबसे बड़ा हम लोगों का है राजीव जी भी कोविड के समय में देखिएगा कि हमारे यहाँ से नॉर्थ बंगाल से मैंने बोला हम लोग तो कोविड में काम कर रहे थे यहाँ से लेबर भागे नहीं नॉर्थ बंगाल का लेबर जाके पलायन नहीं हुआ पलायन नहीं बाहर के यहाँ बाहर के वहाँ है उसको हम लोगों ने बहुत सा काम दिया बहुत सा काम करेक्ट। एक और बात आप देखिएगा कि कोई भी ना खाए बिगैर नहीं रहा खाने के बिगैर नहीं रहा कुछ ना कुछ काम किसी को मिला है यहाँ पर मिला है। तो आप देखिएगा कि नॉर्थ बंगाल के अंदर लेबर प्रॉब्लम हम लोगों की नहीं हुई इंडस्ट्री हम लोगों की चलती रही जैसे आप देखेंगे और जगह पर जितनी प्रॉब्लम थी यहाँ पर हम लोगों का लेबर प्रॉब्लम नहीं हुआ ये अभी है। अभी आप बोल रहे हैं कि इम्प्लॉयमेंट के अंदर मैं बोल सकता हूँ मुझे दीजिए ना अकाउंट्स का संजय है यहाँ पर अकाउंट्स का अकाउंटेंट का सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब देखिएगा ड्राइवर का यहाँ पर सबसे डिमांड है मिस्त्री का देखिएगा डिमांड है इसकी लेबर का सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है। तो देखिएगा कि इम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर नॉर्थ बंगाल के अंदर तैयारी है इम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री के अंदर हम लोग को यहाँ पर कोई असुविधा इम्प्लॉयमेंट की इतनी नहीं है। पहले क्या होता था उजा जी सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग से और आसपास के लोगों इलाके से सारे लोग जाते थे बाहर सिलीगुड़ी से बाहर काम करने के लिए कोई सिलीगुड़ी से बेंगलोर चला गया कोई मुंबई चला गया कोई सऊदी अरबिया चला गया या इंटरनेशनल भी बहुत लोग जाते थे। अब कोविड की वजह से ये सारे रिटर्न आ गए अब ये अपने फैमिली के साथ अपने परिवार के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें भी अगर आप देखोगे ना हमारे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और हम लोगों को काफी स्किल लेबर मिल गए सिलीगुड़ी कर्म भूमि बिल्कुल बिल्कुल। एक और है कि इसके माध्यम से ये आउट ऑफ हम लोगों का बजट स्पीच है इसी में एक ऐड करना चाहूँगा कि प्रदीप ठीक बोल रहा है जो बाहर से जो आ रहे हैं एक स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक तो प्रोग्राम दिया है जो हम लोग CII में उसका हेल्प कर रहे हैं REH क्या हो रहा है कि जो किसान सबसे ज़्यादा तो बाहर से लोग आए हैं उसको तो काम देना पड़ेगा तो किसान जो थे वो एक प्रोडक्ट जैसे बनाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि 20 लोगों का जो एक प्रोडक्ट का आपने कोऑपरेटिव बना दी उसको क्या किया कि इंडस्ट्री जैसा पैकेजिंग करिए आप उसको ड्राई मशीन लगाइए वो स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर मशीन दे रही है ट्रेनिंग दे रही है मशीन देने से क्या हुआ उसको इंडस्ट्री पुट हो गया इंडस्ट्री पुट होने से सरकार उसको दे रही है। जैसे एक आदमी प्रोडक्शन करता था
5 क्विंटल 10 क्विंटल वो 20 आदमी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हो रहा है, उसको जैसे ही इंडस्ट्री का फूट दे दिया उसको मार्केट का क्या हो रहा है कि मार्केट इसको ज़्यादा मिल रहा है, उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। अभी एक तो देता रंग वहाँ पर बड़ी इलायची होती है, तो संजय खूब आप सुन के हंसते लगेगा कि वहाँ बड़ी इलायची होती है, तो बड़ी इलायची का काला रंग होता था, तो हम लोग गए तो बोले ड्राइंग मशीन लगा दिया जाए तो इसका रंग अगर ब्राउन हो जाएगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे। वहाँ पर लगाया गया तो आपको सुनिएगा कि 150 रुपया तो उसको ज़्यादा आज एक केजी में प्राइस मिल रहा है और 30 रुपया कम, 30 रुपया कॉस्टिंग कमा रहे हैं। तो आप देखिएगा एक केजी के अंदर 150 से 180 रुपया एक्सेस उन लोगों को फेच कर रहे हैं कर रहा है। अभी देखिएगा झाड़ू के लिए मशीन दी जा रही है, हनी के लिए यहाँ पर दी जा रही है, तो इसलिए क्या हुआ कि जो बाहर से लेबर जो आ रहे हैं, जो बाहर से लेबर नहीं बोलेंगे, जो बाहर से हमारे जो भाई लोग आ रहे हैं, जो बहन लोग आ रही है, उसको ये किंतु यहाँ पर अभी काम मिलने की स्कोप यहाँ पर हो रहा है। ये एक तो हम लोगों का नॉर्थ बंगाल में अच्छा प्लस पॉइंट ये हो रहा है, ये गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पर। जिंदगी की गाड़ी चलती है पेट्रोल पर, लेकिन पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये लीटर सेस लगाया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो बड़ा बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड नेसेसिटी थी, क्योंकि कोई ना कोई तो सेस लगना था। लेकिन लेकिन जो पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी तो यही लोग आवाज उठाते थे कि बजट में इस तरीके का डीजल और बीजेपी को आप किसी भी तरह जोड़ नहीं सकते जब गाड़ी चलती है, और कल आप कहने लगे कि मेरी बीजेपी से गाड़ी चलती है तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये पैसा कहीं से इकट्ठा करना था। अच्छा। और सबसे ह्यूज कंजम्पशन जो होता है किसी भी काम करने के लिए डीजल पेट्रोलियम मतलब फ्यूल का होता है, तो फ्यूल के ऊपर ही तो सरचार्ज लगेगा। चाय के ऊपर आप 2 रुपये का सरचार्ज लगा लेके कितना रुपए इकट्ठा करते हैं, पता चला 2-10 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, और इससे लगा करके तो आपके ऑल ऑफ ए सडन ऑल ओवर इंडिया 1 लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ रुपए का पैसा इकट्ठा, कुछ जो जरूरत है ना आप कहीं से तो लोगे, डायरेक्ट टैक्स लगा देते तो तकलीफ थी, ये तो आपके इससे पहले के डिक्लेयर हुआ है ऑलरेडी, ट्रांसपोर्ट प्राइसेस बढ़ गई हैं, ऑलरेडी कुरियर प्राइसेस बढ़ गई हैं, आप कल देखने जाओगे बोले और 5 पैसा बढ़ा दिया, 10 पैसा किलो बढ़ा दिया, हो गया तो एब्जॉर्ब हो चुका हो। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सर जी जी ये बताइए आप बजट को 100 में कितने मार्क्स देते हैं इस साल के बजट को? देखिए ये काफ़ी न्यूट्रल बजट है, काफ़ी एंड पे हम लोग ने कुछ अच्छी चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें हमें और एक्सपेक्टेशन थी, जैसे GST में हम कुछ बेनिफिट्स चाहते थे, इनपुट टैक्स में हम बेनिफिट चाहते थे, अभी हम जैसे फाइनेंस बिल हमने देखना ही स्टार्ट किया था, क्योंकि आज ही बजट अनाउंस हुआ तो फाइनेंस बिल हम पूरा नहीं पढ़ पाए, बट कुछ समझ आ रहा है। GST ऑडिट्स में भी कुछ चेंजेस आ सकता है, कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट में दिख रहा है कि कुछ स्ट्रिक्टनेस आई है, और तो इसको लेके कितना आगे हम एनालाइज करेंगे, इसको आगे हम इसको और कोई डिटेल स्टडी होगी हमारी भी जो CA की ब्रांचेज हैं वहाँ पे भी डिटेल स्टडी होगी, तब समझ आएगा कि और क्या पे क्या नई चीज़ें आई हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए आई थिंक 75% मेरे हिसाब से 75% देखिए हम लोगों की भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में और होटल इंडस्ट्री, चूँकि मैं होटल इंडस्ट्री से भी बिलोंग करता हूँ, तो चूँकि टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा बैडली इफेक्टेड था तो कुछ उम्मीदें थी कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेटर प्रपोजल लेके आएगी टू रिवाइव द टूरिज्म। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखो तो होटल की बुकिंग्स और सारी काफ़ी बैड शेप में है। सिमिलरली ऑटोमोबाइल में ठीक है डिमांड बहुत अच्छी है और काफ़ी उफान पे है, बट वी वेर एक्सपेक्टिंग कि टैक्स स्लैब में GST टैक्स स्लैब में ये थोड़ा सा काम करते, स्पेशली स्पेयर पार्ट्स के कंपोनेंट जो है उसका GST स्लैब कुछ कम करते, सर्विस में कुछ स्लैब कम करते, तो उसको वो थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। तो कितना दे रहे हैं आप? आई विल गिव 70 यस यस। संजय जी आप कितनी परसेंट दे रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट ने एक डिसेंट अटेम्प्ट लिया है कुछ अच्छा करने का, एक डिसेंट अटेम्प्ट लिया है, हमारी आशाएँ तो ऐसे बोलते हैं होप के साथ आशाएँ जुड़ती है और होप हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो होप थी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके कुछ होप थी, बट हमें मेरे को पर्सनली ये लगता है गिवन द कोविड सिचुएशन टैक्स कलेक्शन सिचुएशन गवर्नमेंट के जो थे ओवर द लास्ट 1 ईयर द बेस्ट दैट गवर्नमेंट कुड हैव डन इन द करेंट सिचुएशन इज़ वॉट दे हैव मेड एन अटेम्प्ट टू डू। राजीव जी 1,000 करोड़ रुपया लेबर वेलफेयर को भी आया है विच वुड बी गिवन टी गार्डन, इट विल कम टू द टी गार्डन आसाम और बिहार, और रिगार्डिंग द ड्यूटीज जो एग्री सेस भी लगा है 2.5 रुपये और 4 रुपये, उसमें ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि कहीं ना कहीं ड्यूटीज हम रिड्यूस कर देंगे, तो इससे प्राइस इम्पैक्ट शायद नहीं आना चाहिए, बट हाँ कुछ जगह थोड़ी निराशा है, जैसे सरबजीत जी ने भी बोला
रिगार्डिंग द जीएसटी में है, कुछ हिडन चीज़ें होंगी, कुछ एक चीज़ें होंगी, तो मैं ओवरऑल आई लाइक टू गिव इट 8 out of 10 80% एक बात बोलूँगा कि बजट बहुत मैंने आज की सिचुएशन में बजट इंडस्ट्री के लिए ठीक है, ये तभी भी बोला सेंसेक्स इसके अंदर हाई नहीं जाता, परसेंटेज का कोई बात नहीं होता, रेटिंग दीजिए आगे भी इस विषय में कुछ सोचती है। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं दुनिया में समझता हूँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट समझते हैं, तो उसके सामने फिर कमती बढ़ती क्यों करना, जब देना तो डब्बा भर के दे दो, सब 80 दिया आपने 100 दे दो क्या। तो देखिए ये थी हमारी बजट पर चर्चा, और जनता की जिंदगी की नाव आशा और निराशा के चप्पू से पार हो जाए यही हम चाहते हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमें बताया कि बजट वास्तव में काबिले तारीफ है, कुछ शिकायतें होती है, कुछ निराशाएं लगी यहाँ पर, धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगी और दुखों के बीच सुख की किरण बहुत जल्द मिल जाएगी। इसी आशा के साथ मैं राजू ओझा न्यूज़िस्तान की टीम की तरफ से आप सबको नमस्कार करते हुए विदा लेता हूँ, धन्यवाद। कैसा लगा है? अच्छा कैसा लगा आप लोगों को हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत बढ़िया। पूजा जी एक बात कहिए कि आपका जो स्टाइल था वो तो बड़ा ही अच्छा लगा, आपकी जो इंक्रीमेंट थी बहुत अच्छा लगा, और जो आपने क्वेश्चन तैयारी किया था तो लग रहा था कि हम लोग को एग्जाम देना पड़ रहा है। और एक था कि बड़ा अच्छे माहौल के अंदर हम लोगों का ये डिस्कशन हम लोगों का हुआ, और लास्ट एक बात और बोलेंगे कि अभी जस्ट बजट आया है, जब तक पूरा हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था अंक देना भी उचित नहीं। तो अभी हम लोगों को जो प्रिलिमिनरी लग रहा है कि बजट बहुत अच्छा है, ये लास्ट में हम लोग पूरा बिल का फाइनेंस का बिल जब आ जाता है उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या बजट में पास लोकसभा से हो कि राज्यसभा से हो, तब समझ में आएगा कि बजट का क्या इम्पैक्ट हुआ। लेकिन बहुत अच्छे वर्ल्ड के अंदर आपने ये किया, हमें बड़ा अच्छा लगा कि न्यूज़िस्तान में आकर हम लोगों का समय पता नहीं चला कि इतना समय हम लोग का निकल गया। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम? देखिए हम तो जैसे आपने इनकी स्टाइल के बारे में बोला, मैं इनका ही स्टूडेंट रह चुका हूँ तो इनसे मैंने हिंदी पढ़ी है और काफ़ी कविताएं भी इनसे सीखी है, तो खैर इनसे बहुत पुराना रिश्ता है, तो आई थिंक जब 6 साल या 7 साल के तब से रिश्ता चल रहा है, तो हमेशा से इन्होंने बहुत बढ़िया ही किया है, और आज का भी माहौल बहुत अच्छा लगा जो आपने इतनी जल्दी आप बजट जैसे निकला ये आज ही निकला, उसने आपने एक अटेम्प्ट लिया है विच इज़ आई थिंक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है बजट में, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, और हम आशा करते हैं कि एक डिटेल एनालिसिस भी आप जरूर करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आपने आमंत्रित करेंगे दोबारा इस प्रकार के कार्यक्रम की हम बिल्कुल वापस कवरेज करेंगे, आप लोगों को जरूर इनवाइट करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? सबसे पहले मैं न्यूज़िस्तान को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना सराहनीय प्रोग्राम रखा और हम लोगों को सब लोगों को, इनफैक्ट हमारे जितने कलीग हैं इंडस्ट्री के CA और हमारे CII के, सबको आपने एक जगह इकट्ठा किया, क्योंकि कोविड के बाद हम मौका खोजते हैं कि जैसे ही मौका मिले और हम लोग जो है एक इंटरेक्शन के लिए बैठे, तो और ये काफ़ी पॉजिटिव रहा आज का इंटरेक्शन, और काफ़ी कुछ जानने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और इसके लिए मैं न्यूज़िस्तान का और आपका और खास करके मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपकी शैली, आपका जो इंटरव्यू लेने का तरीका, और वो काफ़ी आपने अच्छा होमवर्क कर रखा था, और फ्यूचर में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका चैनल, आपका मीडिया इसी तरीके से ग्रो करते रहे और हम लोगों को बुलाते रहे। मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो जैसे आपने पैनल बुलाए, इतने रेस्पेक्टेड पीपल, इतने सुलझे हुए लोग, मैं बोलूँगा टू यू वेरी ट्रू, चाहे राजीव जी हो, संजय जी हो, प्रदीप भैया हो, सरबजीत इज़ अ प्रो, तो इनके बीच में आके ऐसे ही अच्छा लगा डिस्कशन, एक फ्री फ्रैंक ओपन हार्टेड डिस्कशन हुआ, हम लोग कितने चीज़ बजट के बाहर भी डिस्कस किए, स्टेट के बारे में भी डिस्कस किया, अच्छा लगा, दिल से डिस्कशन हुआ, क्या फीलिंग हुई, कोई पढ़ के नहीं आए, समय नहीं मिला पढ़ने का, जितना समझे उसके हिसाब से डिस्कशन हुआ, तो बहुत अच्छा लगा, आपने एक बहुत अच्छे लोगों के बीच में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, तो मैं थैंक यू कहूँगा।
आपने तो इनसे पढ़ाई की थी, हम तो क्रिकेट खेले हुए इनके साथ में, तो अब मेरे को तो ये लग रहा था कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ ले कि मैं क्लीन बोल्ड हो जाऊँ। क्लीन बोल्ड होते होते फंस गया, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो आप तो ऐसे ही बहुत अच्छा करते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। चलते चलते सीए का जरा फुल फॉर्म बताने की कृपा कीजिए, आपकी नजर में चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए हिंदी में बताएं, सीए को क्या कहते हैं? ये मेरा पर्सनल सवाल है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेंगे, मैं कहूंगा जो सीए लोग होते हैं चतुर आदमी होते हैं। इसी आशा के साथ वापस आप लोगों का प्यार पाने के लिए हम सब लगातार आप लोगों से जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।